नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान संचरणी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यह एक प्रश्न उठता है, जो विद्यार्थी अगर रेजिडेंशियल किसी अन्य स्टेट के हैं और पढ़ते किसी अन्य स्टेट में हैं, तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप उठाना होता है, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया है वो समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि किसी अन्य स्टेट में पढ़ने से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, ये मैंने एक वेबसाइट से निकाला हूँ, ये beautyforstudy.com जो है, इसमें मैंने गया। और उसके बाद मैं एक आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, कि जो स्टूडेंट्स अगर किसी अन्य स्टेट में पढ़ते हैं और निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, और एससी एसटी जनरल में भी आते हैं, तो भी उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। तो उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था जो है, उसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या मांगते हैं उनको, पहले तो आपको बी ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, मान लीजिए अगर ये तो उत्तर प्रदेश के जरिए मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप केरल में रहते हैं और आप पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में, या आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं केरल में पढ़ते हैं, तो जैसे कि आप केरल से स्कॉलरशिप उठाना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह के स्कॉलरशिप के लिए जैसे उत्तर प्रदेश की जगह आपको वेस्ट बंगाल का यहाँ पर डोमिसाइल होना चाहिए। लगभग एक ही जैसा होता है सेम प्रोसेस। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लास 11 या उससे ऊपर में होना चाहिए पोस्ट स्कॉलरशिप के लिए, जो आप जानते हैं कि 10 के बाद जो होता है स्कॉलरशिप, वो पोस्ट स्कॉलरशिप में आते हैं। इसके बाद बिलोंग टू एससी एसटी जनरल कैटेगरी, ये सर्टिफिकेट आपका जिस स्टेट के निवासी हैं उसी स्टेट का होना चाहिए, और जहां से आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वहीं का आपका सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी अन्य स्टेट में भी रहें, लेकिन आप अपने जिस राज्य क्षेत्र से निवास करते हैं उस क्षेत्र का सर्टिफिकेट और आपका वहां का जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स शो करके उसे उसी स्टेट में जमा करना होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा जो भी आपके क्राइटेरिया है कि 2 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, और ये सब तरह की ये जानकारी इसमें आपको मेरा यही बताना था कि कम से कम आप ये जान सकें कि आप अपना स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर पढ़ाई करते हैं दूसरे राज्य में तो आप अपना स्कॉलरशिप नहीं उठा सकते, बिल्कुल ही उठा सकते हैं। और मेरा यही छोटा सा प्रयास था आप सभी दोस्तों को, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।